हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से उठे के स्मार्ट में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जनरेशन पीसी की तरफ बढ़ते हैं तो इंटेल ने लॉन्च कर दिए हैं 12 जनरेशन के प्रोसेसर है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस जनरेशन पीसी कॉम्बो की वीडियो बनाई, 10 जनरेशन और 11 जनरेशन के बाद में लेके आ गया हूँ 12 जनरेशन पीसी कॉम्बो। तो एक एक करके इसी कॉम्बो के कंपोनेंट्स की करते हैं अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, और देखते हैं कि इंटेल ने इस बार वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर लॉन्च किए हैं या हर बार की तरह ही एक्सपेंसिव किए गए हैं। तो अगर आप एक लेटेस्ट पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल मजेदार वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो फटाफट इन कंपोनेंट्स की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है i3-12100F। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रोसेसर के लास्ट में F लगा होता है उसमें आपको इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलता है। और ये LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, प्रोसेसर की बॉक्स की साइज काफी बड़ी दी हुई है। अगर मैं इसकी क्लॉक स्पीड की बात करूं तो 3.3 GHz दी हुई है, और आप इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 4.3 GHz तक यूज कर सकते हो। 4 Core 8 Thread और 12 MB की कैश मेमोरी दी हुई है, तो प्रोसेसर काफी पावरफुल रहने वाला है। और यह प्रोसेसर 89 वोट की TDP पे वर्क करता है, और यह प्रोसेसर 7 नैनोमीटर लिथोग्राफी पे बेस्ड है। और फ्रेंड्स, इस बॉक्स को ओपन करने से पहले कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 11 जनरेशन जैसा ही बॉक्स दिया हुआ है। तो फटाफट करते हैं इसको ओपन। तो सबसे पहले यहां मिल जाती है सील, इसको करते हैं ब्रेक। और यह बॉक्स में इतना वजन क्यों है यह भी समझ में नहीं आ रहा है, काफी वेट है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। और फ्रेंड्स, ये है इसकी यूजर मैनुअल। जब भी आप फ्री हो तो आप इसे रीड कर सकते हो। और एक आपको मिल जाता है इंटेल कोर i3 का लोगो, जो आप अपने PC पे जहां आपकी इच्छा हो वहां आप लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपना प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर की आप साइज देख सकते हो, काफी बिग साइज दी हुई है। अगर मैं कंपेयर करूं 11 जनरेशन 10 जनरेशन से तो प्रोसेसर की साइज काफी बड़ी दी हुई है। इसको रखते हैं साइड में। तो फैन को भी देख लेते हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं या वही सेम है। तो इसको भी ओपन करते हैं। ये ब्लैक कलर में लग रहा है पूरा फैन ही। तो फ्रेंड्स, ये है फैन का फर्स्ट लुक, और बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है इस बार फैन, और काफी प्रीमियम क्वालिटी का है। और यहाँ सेंटर में ये इंटेल की ब्रांडिंग दी हुई है। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग जो मैंने मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है वो है गीगाबाइट का H610M HDDR4, और ये सपोर्ट करता है 12 जनरेशन प्रोसेसर को। अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है, और ये आता है LGA 1700 सॉकेट के साथ है। और फ्रेंड्स, ये वाला मदरबोर्ड ओनली DDR4 रैम को ही सपोर्ट करेगा, DDR5 को नहीं करेगा। और इसके बैक पैनल पे भी कुछ देख लेते हैं। तो ये इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन। तो बॉक्स कंटेंट में यहाँ साटा केबल्स दी हुई हैं, और काफी प्रीमियम क्वालिटी की आती हैं। ये आपको मार्केट में अलग से नहीं मिलेंगी। और इसी के साथ मदरबोर्ड, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो एक आपको मिल जाती है आयो शील्ड, और वो भी काफी प्रीमियम क्वालिटी की है। और फ्रेंड्स, ये है इसका यूजर मैनुअल, जब भी आप फ्री हो तो आप इसे रीड कर सकते हो। और ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, 2022 चल रहा है और मदरबोर्ड के साथ CD। और फाइनली ये है अपना मदरबोर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया था। तो इसको करते हैं ओपन। और फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको लगी क्या, इस पॉलीथीन पे भी गीगाबाइट की ब्रांडिंग दी हुई है। तो मदरबोर्ड को निकालते हैं फटाफट बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है मदरबोर्ड का फर्स्ट लुक। और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ सेंटर में ही LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है, तो सॉकेट की साइज काफी बड़ी है। साथ ही आपको 2 RAM के स्लॉट मिल जाते हैं। तो ये वाला मदरबोर्ड 3200 MHz की RAM को सपोर्ट करेगा, और आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो 32 GB तक। और इसमें पावर कनेक्टर दिया हुआ है और 4 SATA पोर्ट दिए हुए हैं, तो आप इसमें इंटरनल हार्ड ड्राइव काफी सारी लगा सकते हो। और साथ ही आपको PCIe NVMe 3.0 कनेक्टर भी मिल जाता है, तो आप इसमें NVMe SSD लगा सकते हो। Gen 4 का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा।
और यहाँ PCIe 3.0 एक्सप्रेस स्लॉट दिया हुआ है और यहाँ आपको PCIe 4.0 एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाता है, तो आप ग्राफिक्स कार्ड को यूज कर सकते हो। और यहाँ लगी हुई है इंटेल की H610 चिप। ओवरऑल फ्रेंड्स मदरबोर्ड काफी बिग साइज का है। और इसी के साथ इस मदरबोर्ड के पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो यहाँ आपको कीबोर्ड और माउस के लिए PS2 पोर्ट दिया हुआ है, VGA पोर्ट आपको मिल जाएगा, और HDMI 2.0 पोर्ट दिया हुआ है, 4 USB 2.0 के पोर्ट दिए हुए हैं, 2 USB 3.2 Type-A के पोर्ट दिए हुए हैं, एक Ethernet पोर्ट दिया हुआ है जो आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवा देगा। इस मदरबोर्ड में आपको 7.1 चैनल सराउंड साउंड का सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल इस मदरबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है और VRAM और कैपेसिटर की क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है। और इस पीसी कॉम्बो में जो मैं ग्राफिक्स कार्ड यूज करने जा रहा हूँ वो गीगाबाइट का 2GB DDR5 NVIDIA GeForce GT730 है। और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि यार आप 2GB के ग्राफिक्स कार्ड के लिए क्यों सजेस्ट करते हो, तो मैं आपको बता दूं इंटीग्रेटेड अगर आप प्रोसेसर परचेज करोगे तो वो आपको प्राइस में 3000 के आसपास गैप देखने को मिलेगा, और ये 2GB का ग्राफिक्स कार्ड आपको अराउंड 4000 के आसपास मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस यार डेडिकेटेड में आपको बेटर मिलेगी, इसी वजह से मैं ये वाला ग्राफिक्स कार्ड यूज करता हूँ। वैसे अगर आपका बजट का कोई नहीं है तो आप इसमें 4GB का भी ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हो। और इसके अनबॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही चैनल पे बना दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स ये था i3 12 जनरेशन पीसी कॉम्बो, मैंने एक एक करके इनकी अनबॉक्सिंग की, और अब करते हैं इनकी प्राइजिंग की बात। तो अभी इस प्रोसेसर की अगर मैं मार्केट प्राइजिंग की बात करूं तो ये जब लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइस थी 11,000 के आसपास, लेकिन काफ़ी जल्दी प्राइस ड्रॉप हो रही है और अभी आपको ये मार्केट में आसानी से 10,000 के आसपास मिल जाएगा। मेरा ओपिनियन तो यही है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में जरूर रेट कंसिडर कर लेना, जहां आपको सस्ता मिले वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। और सेकंड नंबर में बढ़ते हैं इसकी ग्राफिक्स की प्राइस की तरफ, तो ये आपको 4,000 के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो मैंने इसमें मदरबोर्ड सेलेक्ट किया था गीगाबाइट का H610MH DDR4, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो अभी ये ऑनलाइन पे आपको 7200 रुपीस का मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर इस टोटल कॉम्बो की अगर मैं पीसी की बात करूं तो 20,990 रुपीस में आपको आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ASUS का मदरबोर्ड पसंद है तो ASUS ने भी अभी रिसेंटली में एक और मदरबोर्ड लॉन्च किया है H610MEDDR4। उसमें मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगी, उसमें HDMI पोर्ट तो है ही है, उसके साथ आपको M.2 के 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो आप ये SSD भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप ASUS के फोन फॉलोअर हो तो आप उस मदरबोर्ड के लिए जा सकते हो, और अगर आपको गीगाबाइट का मदरबोर्ड पसंद है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको प्राइस बताई है, अगर आपको ऑनलाइन और अगर ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको नहीं मिले और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।